हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम पाइथन की कुछ बेसिक्स को देखेंगे, जिन बेसिक्स को हम फर्दर यूज़ करते हुए अपने डेटा साइंस के डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद जो मेजर कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है बेसिक्स के अंदर ही, वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस हम डिफरेंट डेली रूटीन में भी परफॉर्म करते हैं, और अगर हम अपने सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है, सिंपल कैलकुलेटर की अगर बात करें तो कैलकुलेटर भी एक आम इंसान से ज़्यादा सही तरह से ज़्यादा जल्दी परफॉर्म कर सकता है। तो सिस्टम के अंदर हमारे पास यही फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम उसके थ्रू डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करवा सकें आसानी से, स्पीडी काम करने के लिए। तो पाइथन के थ्रू भी हम ऐसी कमांड्स लिख सकते हैं जो हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, सिंपली उसी तरह से जिस तरह से हम मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं कि वन प्लस टू करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आएगा। तो आप सिंपली पाइथन के अंदर भी यही कमांड लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो राइट साइड पर जो एग्जांपल है, प्रिंट 573 माइनस 74 प्लस 1, तो ये क्या करेगा, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा स्पेसिफिक एक्सप्रेशन का। अब अगर हम बात करें कि किस तरह से हमारे पास ये टास्क परफॉर्म होते हैं, तो वही हमारे पास प्लस का सिंबल यूज़ होगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस का मल्टीप्लिकेशन के लिए, और डिवीजन के लिए जो भी सिंबल हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वही वाले सिंबल यूज़ होंगे। अच्छा, अब अगर बात करें कि हमारे पास ये जो राइट साइड पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये क्या आउटपुट दे रही हैं, तो हमारे पास प्रिंट की कमांड के अंदर, क्योंकि हमने लिखा हुआ 573 माइनस 74 प्लस 1, तो अब ये कमांड क्या करेगी, ये आपको आउटपुट प्रिंट करवाएगी इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, जैसे हमने प्रिंट कर कहा था कि ये आउटपुट यूज़र को शो करवाता है आउटपुट विंडो के ऊपर, तो हमारे पास इसी की जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही होगी प्रिंट की कमांड उसको आउटपुट विंडो के ऊपर शो करवा देगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी के अंदर एक जो एरर आ सकता है वो है कि एक नंबर को अगर हमने डिवीजन, लेट्स से हमने डिवीजन परफॉर्म की 10/5, तो आंसर हमारे पास आ गया 2, लेकिन अगर इसी डिवीजन में हम परफॉर्म करते हैं 10/0, तो फिर वैसे तो हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये एक अनडिफाइंड नंबर है, लेकिन पाइथन के लिए अनडिफाइंड नंबर स्पेसिफाइड टर्म नहीं है। तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें एक एरर देगा, कंपाइलर हमें एक एरर देगा 0 डिवीजन एरर का, जिसका मतलब ये है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, या आपने कोशिश की है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने की, तो आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास उसी वक्त एरर आ जाएगा, और उस एरर के अकॉर्डिंग अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं तो वेल इनफ। और वैसे भी ये जो एरर है 0 डिवीजन एरर का, जैसे ही आप अपनी आउटपुट विंडो के ऊपर देखें 0 डिवीजन एरर का आपके पास सिंटैक्स एरर आया है या डिफरेंट कोई भी एरर आया, तो आप अपने कोड के अंदर देख सकते हैं कि कहीं आपने किसी नंबर को 0 से तो नहीं डिवाइड किया हुआ, तो वहां से आप इसको डीबग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपोनेंट्स का। अब एक्सपोनेंट्स भी हमारे पास कैलकुलेशंस के अंदर ही आते हैं। हमने किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है, हमने पावर या किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है या क्यूब कैलकुलेट करना है या कोई भी एक स्पेसिफिक पावर कैलकुलेट करनी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2 to the 10th power, मतलब 2 की 10th power हमने कैलकुलेट करनी है, तो इसको भी हम पाइथन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम अपने सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें तो हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं 2 subscript 10, तो ये क्या करेगा, आपको 2 की पावर 10 कैलकुलेट करके आंसर दे देगा। लेकिन पाइथन के अंदर डिफाइन जो एक्सपोनेंट्स हैं इसको डिफाइन करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, अगर हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करें एक नंबर, 2 नंबर्स के दरमियान, तो लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर होगा वो हमारा बेस होगा और राइट साइड पर जो भी नंबर होगा वो एक्सपोनेंट होगा या पावर होगी। तो अगर हम बात करते हैं पहली कमांड राइट साइड पर जो एग्जांपल है, प्रिंट 2 multiply 10, तो ये क्या करेगा, 2 की पावर 10 कैलकुलेट करेगा, और आंसर में हमारे पास, क्योंकि ये प्रिंट में लिखा हुआ है, तो आंसर में हमारे पास 1024 आउटपुट विंडो के ऊपर शो हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिकली वर्ड्स की बात करें तो इन रिटन मैथ यू माइट सी एन एक्सपोनेंट एज सबस्क्रिप्ट नंबर, बट टाइपिंग सबस्क्रिप्ट नंबर्स इजंट ऑलवेज इजी इन मॉडर्न कीबोर्ड्स।
ठीक है, उसके अलावा भी पाइथन का सेंटेक्स भी कुछ इस तरह का है कि आप सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे और अपना जो भी एक्सपोनेंट है उसको कैलकुलेट करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास हर टॉपिक के साथ राइट साइड पर कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देनी है, उस एग्जांपल के साथ उसका आंसर भी है। आप इसको अपने कंपाइलर के अंदर रन करके देखें, रन करने के साथ उसकी आउटपुट देखें, क्या वो यही आउटपुट आती है जो हमने कमेंट में लिखी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कमेंट्स की, तो देखें कमेंट का कितना फ़ायदा है कि हमने हर कमांड के ऊपर एक कमेंट ऐड किया है कि 2 to the 10th power हमने कैलकुलेट करनी है और उसका आउटपुट क्या आएगा, 1024। और इसी तरह हमने जो थर्ड कमांड है 9 cube 9 multiplied by 9 multiplied by 9, तो सिंपल कमेंट के अंदर हमने लिखा हुआ कि 9 cube का क्या मतलब है और इसकी आउटपुट क्या होगी, 729। और उसके नीचे हमने कमांड लिखी हुई है जो आपको सेम यही आउटपुट देगा 729 की। तो आप इसको रन करके भी देख सकते हैं, रन करके देखें, मे बी किसी के कमांड के अंदर आपके कोई डिफरेंट एरर आ जाता है, डिफरेंट आउटपुट आ जाती है, तो आप हमें बता भी सकते हैं, हम इसको फर्दर अपडेट भी कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये टेस्टेड हैं, तो उम्मीद है कि इसके अंदर एरर नहीं आएगा। लेकिन जो मेजर पर्पज़ है आपको बताने का, वो ये है कि आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखें कि क्या ये इसी तरह से ही हमारे पास आउटपुट देता है, और क्या इसी तरह से हमारे पास, किस तरह से हम जो भी अभी तक टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको फर्दर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी तक टॉपिक्स हमने कवर किए उसके अंदर सबसे पहला था कमेंट्स का, उसके बाद हमने देखा प्रिंट की कमांड, उसके बाद हमने देखी प्रिंट के साथ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के अलावा स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स किस तरह से डिफाइन करते हैं, और कैलकुलेशंस देखें कि किस तरह से हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स देखें जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है मॉडुलो का, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडुलो का ऑपरेटर है या जो भी हमारे पास मॉडुलो की कमांड है वो सिमिलर टू डिवीजन ऑपरेटर है। अब ये हमारे पास करेगा क्या कि डिवीजन क्या करता है कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है हमारे पास या जो भी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आता है उसको हम फर्दर यूज़ कर लेते हैं या आउटपुट विंडो पर शो करवा देते हैं। लेकिन मॉडुलो को क्या करे, क्या काम है कि ये भी डिवीजन ही करेगा, लेकिन ये आपको जो डिवीजन का रिमाइंडर है, जो बाकी बच रहा है डिवीजन से, वो प्रिंट करवाएगा। लाइक लेट्स से अगर आपने कंप्लीट नंबर को डिवाइड किया है किसी दूसरे नंबर से, जैसे हम फॉर एग्जांपल 25 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो इस केस के अंदर 25 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास अवेलेबल है। लाइक इसका आंसर हमारे पास या क्वेश्चन हमारे पास आएगा 5, लेकिन इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो जब हमने डिवीजन परफॉर्म की तब तो हमारे पास आंसर तो आ गया 5, लेकिन हो सकता है हमने कहीं किसी ऐसे टास्क के अंदर कोई रिमाइंडर निकालना हो जिसके अंदर कुछ ना कोई रिमाइंडर बचता हो, तो उसको फर्दर यूज़ करने के लिए हम कोई ना कोई कमांड यूज़ करेंगे, और उस कमांड को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो पाइथन के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है वो है मॉडुलो की। अब मॉडुलो को हम सिंपल परसेंटेज के साइन से डिफाइन करते हैं, और ये हमारे पास जो आउटपुट देता है वो रिमाइंडर होता है डिवीजन का। जैसे एग्जांपल की बात करें तो 29 को अगर 29 का मॉडुलो लें 5 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा इसका, और इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4, जो ऊपर कमेंट में भी लिखा हुआ है, प्रिंट्स 4 बिकॉज 25 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 5 विद अ रिमाइंडर ऑफ 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मॉडुलो लिखा है ये करेगा डिवीजन ही, लेकिन आंसर जो आपके पास आएगा वो रिमाइंडर आएगा जो कि 4 है इस केस के अंदर। दूसरी एग्जांपल की बात करें तो 32 मॉडुलो 3, तो अब 32 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 टेंस आर 30, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचा, 2, तो आपकी आउटपुट में क्या आएगा, 2। इसी तरह अगर लेट से हमारे पास एक नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है किसी दूसरे नंबर से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो रिमाइंडर होगा वो 0 प्रिंट करवा देंगे। लाइक 44 को अगर डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब है कि जब भी 44 का मॉडुलो हम 2 से लेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह डिफरेंट नंबर्स के लिए हम इसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
तो अभी के लिए हमने डिफरेंट अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखे, अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की फर्दर आप इम्प्लीमेंटेशन करके देखें, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हम आपको टास्क परफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। जब बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगी तो आप उन टास्क को परफॉर्म करेंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं।